भारतीय पठार में अपवाह की महत्वपूर्ण दिशाएं प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाटों से घिरा है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। प्रायद्वीप की अधिकांश प्रमुख नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। भारतीय नदियों को दो प्रमुख समूहों में बांटा गया है, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां। हिमालय की प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ये नदियां लंबी हैं और कई बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदियां इसमें शामिल होती हैं। एक नदी को हुंजा, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतवा और सोन। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, लोहित और कैनुला। सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। पश्चिम की ओर बहते हुए ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में भारत में प्रवेश करती है। कई सहायक नदियां जस्क, नुब्रा, श्योक और हुंजा कश्मीर क्षेत्र में इसमें शामिल हो जाती हैं। सिंधु बाल्टिस्तान और गिलगित से होकर बहती है और अटक में पहाड़ों से निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके अलावा सिंधु दक्षिण की ओर बहती है और अंततः कराची के पूर्व में अरब सागर तक पहुंचती है। गंगा नदी प्रणाली। गंगा का मुख्य जल भागीरथी कहलाता है, जो गंगोत्री हिमनद द्वारा पोषित होता है और उत्तरांचल के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ता है। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में आ जाती है। गंगा यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा और सोन जैसी कई सहायक नदियों से मिलती है। गंगा पश्चिम बंगाल में फरक्का तक पूर्व की ओर बहती है। यहाँ नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है और यह आगे भागीरथी हुगली के रूप में बंगाल की खाड़ी में बहती है। मुख्यधारा दक्षिण की ओर बांग्लादेश में बहती है और ब्रह्मपुत्र से जुड़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पूर्व में तिब्बत से निकलती है। ये सिंधु से थोड़ी लंबी है और इसका अधिकांश भाग भारत के बाहर स्थित है। ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नमचा बरवा 7,757 मीटर तक पहुंचने पर यह एक यू टर्न लेती है और एक कंट के माध्यम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कहा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कहा जाता है। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती को छोड़कर भारत की लगभग सभी नदियां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की तुलना में कम हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और माही हैं। इन नदियों ने घाटियों का निर्माण नहीं किया और इसके बजाय वे हिमालय की निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्तरी प्रायद्वीप के झुकने के कारण निर्मित दोषों रैखिक